बाद इस मोहम्मद मेरे बार रसूल आ रहा अहमद ना, जब उन्हें आए नबी नू अहमद नू नहीं मनिया तो तुम दसो ईसा मनना कि रह गया। ईसा अलैहि सलाम की हदायत से उन्होंने मनो, मूसा अलैहि सलात वसलाम कह गया अपनी उम्मत नू, कुरान ने दसिया कि यहूदी और ईसाई हूँ यहूदी ईसाई नहीं गिने जाने जब तक के रसूलां ना मन, क्योंकि खुद इन्हों की किताबा पेश हुई। सुनो कुरान पाक ने रसूल करीम अलैहि सलाम के बारे बयान किया कि लोग जो यहूदी ईसाई है الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يعني اے مسئلہ سمجھو دین دی بنیاد ہے کہ اج قران نو اور نبی پاک نو منیا بغیر کسی دا رائی وزن نہیں او خیراتاں کرے اسپتال بنائے اسماناں تے اڑے بڑی ہوئے عیسائی یہودی پکا کافر اور جہنمی اے عقیدے تو اسی ہل گئے نہیں نبی پاک کوئی نہیں مننے یا نہ من اسلام کی ہے پھر अल्लाह ने आख्या الذين يتبعون الرسول النبي الامي ये ईसाई और यहूदी इन्हों जो सिर्फ वह खुदा की रहमत का हकदार होगा जेड़े उस रसूल के मगर लग जाए जो नबी उम्मी है। किसी को नहीं पढ़िया, एक हरफ नहीं किसी को सीखा, किताब नहीं पढ़नी आई उन्होंने नबी उम्मी الذين يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل जिहदा बयान इन्हों के कोल तौरात अंजील मौजूद है। अल्लाह आंदा इन्हों की अपनी किताबा जिक्र कि उन्हें आना इस वक्त हम नबी पाक नू नहीं मनते लस्त मलाश है इन्होंने कह दो तुहाडा कोई दीन नहीं है कुछ भी नहीं रहा ना हुण तू यहूदी रह ना ईसाई रह तुसी अपने नबियों का ही मुनकर हो गए। या अमर बिल मारूफ है या नाम मुनकर वही हेलो लहमत ये बात वही हर मल अमल खबास भैया दवा मिसरा वाला लाल जी कान तरह अल्लाह कैवे अपने हबीबी शान बयान की इन्होंने ये शाना आदि मुसलमानों साया आया नहीं पखाना आपदा खाते खून इन्हों के नबी पाक का पठा पठा समाज ला ये भी गल कुछ शान दी आपका पेशाब पी अकल की गल करो ए शाना जड़ियाँ अल्लाह दसदा या मुरहम बिल मारूफ मेरा नबी जरा पहला काम है जिन्हिया चीज़ों का हुक्म दिता कोई पड़ा मानस अपने सिर से किताब रख के अपनी कसम खा के दसे उन्होंने कोई गल हैगी जिन्होंने कोई शरीफ आदमी मने भी नहीं कहनी चाहिए। हर बात ऐसी मारूफ पूरी दुनिया जानती पहचानती है भी बाकी ये गल यार सिखाया चाहिए सच बोलो इंसाफ करो दूजा से रहम खाओ उन्होंने हक ना मारो जो हुक्म देंदा सारे मारूफ है पहचानियां गलां लोगों अमल करना कर डाकू चोर भी जानते भी बाकी यार शरीफ आदमी ने कम करें जी भैया ना मन मुल्क और जिन्हें कमां तो रोकता हर बंदे का अपना दिल पुकारदा भी बाकी तो रोकना चाहिए क्यों किसी का कोई हक मारे क्यों किसी की बेटी उठावे मुनकर जिन्हें चीज़ों तो आप ही तबीयत कह कर जी तो गलत कम है रोकता तो ना तो रोकता भाई वह लो लहमद तयबात और कोई पाक शाह जी हराम नहीं कर रहा जिन्हिया हराम कीतियाँ सब सुथरिया पाक साफ है जड़िया वेखन च बुरी नजर आदियाँ चूहे किरिया है शकली दसी हर बंद डर आता बे की वह खाते फिर चीनी नहीं अल्लाह आंदा यो लो लहमद तयबा अल्लाह का रसूल जरा वेखन च भी अपने मजे च भी अपने असर च पाक साफ चीज़ा उन्होंने हलाल करता भाई हर रमल अहमल खबाइश सिर्फ उन्होंने शायद तो रोकता जड़िया खबीस है गंदिया प्लीज है भैया दावा मिसरा वाला गलाला कान तरह वड्डा काम यह है कि जेड़ा बोझ और जड़िया बेड़िया जेदे च इंसान जकड़े हुए औखे मसले अज ही कोई शख्स बाइबल न पढ़े हिंदुओं के जेडे मन शास्त्रों नूं पढ़े रब गवा बर्तना पाक कर ली कपड़ा पाक कर ली जनाबत दे गुसल ली ओह पाबंदियां जेड़ा बंदा ना तौबा तौबा भार चुक सकदा मोटी गल समझ लो कि अगर कोई आदमी जुनबी हो गया गुसल भी कर लिया उन्हें ना लिया मगर शाम तक वो ना पाक गिना जाना अगर वो किसी बिस्तर से बह गया तो कोई होर भी उत्थे आके बाद बह वो भी ना पाक वह भी अपने कपड़े तो होवे एहोजा जी इस तो फरमाया रसूला ने आके यादवान मिसरा जिस बोझ ने लोगों की कमर तोड़ती थी ना नबी पाक ने ला क्या मारे कि सीधा साधा दीन लो यार जो चला खुश हो वाला गला लती कान तरह और ऐसा बेड़ियां कटतियां जिस इंसान कराह रहा सी चीख रहा ये कहो जहा सू मुसीबत पाया फल जीना मनो बही वजू हो व ना सारू हो वाबा नूर उलायमल मुफर उलायका मारफा इसमें जमीर अगे हम भी फिर दोबारा इसमें जमीर एक जमीर आने तो बाद फिर जमीर आवे ये जमीर उल फसल अरबी जबान हसर है सिर्फ यही अल्लाह ने आख्या होर किसे हुण नहीं कामयाबी पानी किसे निजात नहीं पानी कोई बख्शिया नहीं जाना ओलाए कमल मुफले हो सिर्फ आद हो गया जिन्हों का बेड़ा पार होना कौन है फिर लदीन आ मनु भी ए नबी पाक ने भी हक दसे है असी तुम भी गौर करिए भी कर रहा
फरमाया पहला इस नबी नू सच्चा मनना कि जो ये खबर देवे फिर नहीं जल चाहनी चाहिए बे गल नहीं हो सकी ना। नबी ने कहता जमीन आसमान टल सकते ये गल नहीं गलत हो सकी। फर लदीन आ मनू भी पहला दस के कई ने पैगंबरे दियाँ मुरादियाँ कर गया ये नबी आया आखिर उजमान जेड़े हुण ते ईमान लियाउणगे इहनू सच्चा जाणगे वाज़रू हो इहदी ताज़ीम करनगे अल्लाह अदब बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई। ए भी सुन लो जरा उमजी नबी ने आख्या लाण चाहते जमण से अपने मौलवी की तीन सत्रां बोलदा अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम की वारी आउंदी ते नबी ने क्या कोई शर्म चाहिए जनो मैं कायनात सारे तो ज़्यादा ताज़ीम का मुस्तहक और सारे तो ज़्यादा अदब के लायक जरा ज़्यादा एहतराम साड़ी रूह च होना चाहिए ना लीए ताजा दबना सिर चुकया आवे अखा चो पांसू बहन फिर मैं वह जरूर हो मनिया और मनन तो बाद फिर आपका अदब किया। सदब का सूरा हजरात पढ़ो किन्ना अदब है कि अबू बकर और उमर उन्होंने नवासा ही हजरत अबू बकर का मेरा नाना और उमर दोवें तबाह हो चले दो दख चले चले थे अल्लाह ने आयत उतार थी भी नबी के सामने तुम उच्ची बोले झगड़ पै कोई आया सी कबीला वह सरदार मुकर करना सी हजरत अबू बकर आख्या आ करना उमर ने आख्या नहीं आ करना इनू बनाओ सरदार आपस झगड़ पै कुरान उतर गया कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम इंदा नबी नबी के सामने एडी उच्ची बोलना अंतहबदा मालकुम अंतुम ला तशरून तुहानू पता भी नहीं लगना और इस बेअदबी पाउन तुहाडी सारी नेकियां तबाह हो जानी। अदब गाह है इस ज़ेरे आसमां आदर्श नाज़ुक तर नफस गुम करदा मिया जनी बाई दी नहीं कहिंदा ए अल्लाह दे अर्श तो भी नाजुक मकाम आ अल्लाह की शान कोई गुस्ताखी हो जाए अल्लाह बेपरवाह वो दे हबीब की शान गुस्ताखी कर दी सारी कायनात चो दे नजदीक चुनिया यार बरगजीदा है अदब गाह है इस ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक इस आसमान की छत चल रहे अर्श नालों में नाजुक जगाई नफस गुम करदा मिया जनाद बाजी मेरे तेरे वर्गिया की की उत्थे हैसीयत है उत्थे जनाद बगदादी वर्गे ते बाजी गुस्तामी वर्गे आउंदे तां उहनां दा सार रुकिया हुंदा उच्ची सह नहीं लेंगे ये नबी का दरबार अल्लाह दे रसूल का दरबार इस तो ही हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ने आख्या इन्हां रोंदियां ते कुरलांदियां ते लखां वारी सदके जांदियां इन्हां बरदियां मुफ्त कांदियां ते शाला वत भी आवें नौ घड़ियां फिर रब वक्त लाए कि असीं मदीने हजूर के सामने खड़े होइए इन्हां रोंदियां ते कुरलांदियां ते इन्हां बरदियां मुफ्त कांदियां लखां वारी सदके जांदियां ते शाला वत भी आवें नौ घड़ियां इस तो अल्लाह आंदा आ नबी जी तुहानू खबर दिती है ये हुण आंदे असीं परियां परियां दी यहूदी साई जन्नत नूं बढ़ जाए तौबा तुहाडे नबी तो आई देख के कह बयाना तो उन्होंने मनो तो हुण मैं रहमत सिर्फ उन्हूं देनी है जिहड़ा इस नबी नूं मंदे जिहड़ा जिक्र तुहाडी तौरात इंजील च कुरान नूं की मना तुसीं अपनी किताब नूं मनो वो तुहानू नहीं आंदी मनो इहनूं जे तुसीं नहीं मनदे तो कुरान छड्डो तुसीं तौरात इंजील दे मुनकर तुहाडे ते लानत है खुदा दी। फरमाया जिन्हां ने सच्चा मनिया वाज़रू फिर अदब कीता हज़ूर पाक इस तो अदब होनी भी है कि अगर अल्लाह दे रसूल मौजूद नहीं कोई शख्स हदीस सुनाऊंगा किसी ने आख्या अल्लाह दे रसूल का फरमान तुम अगों भौंक पै नहीं ये नहीं मनन चाहती गल तो ईमान खत्म हो गया अज रसूल की जगह आपकी हदीस बोल रही है तुम तसली करो बेपक्की कच्ची है मौत भर है मगर नबी पाक की बात का वजन तुम इन्ना भी नथू फसी वर्गा समझे वाह जरू हो आप अदब करो तज़ीम करो व ना सरव हो और फिर आप भी मदद करो उसे मदद करने का तो मौका से भी लोग ना जिहाद जाते थे अज मदद का मतलब है आपका दीन जरा मशरक मगरब गरीब हो चुका तुम तो कला कला मेरे तो ज़्यादा जानता टीवी सुनते रेडियो सुनते अखबार पढ़ते दीन इस्लाम ऐसे किस तरह बेचारा दलील रुसवा गरीब हो गया जिहड़ा जी चाहता शौक पूरा कर रहा मुसलमान मार दे ड्रोन हमले हो रहे कि मुल्कों च बड़े है बिल्कुल मुसलमानों गाजर मुड़ी तरह कटी जाते तो दीन की मदद यही है कि इस मस्कीन दीन की मदद करो अल्लाह का दीन जरा वो एडा बेकस क्यों हो गया तुम मनण वाले सौ गए तुम पता ही ना रहा भी नबी पाक के दीन ना की हो रही इस तो बिल्कुल वो हाल हो गया दीन नबी का वाग यतीमा तो दर दर धक्के खावे कितों लम्मा उमर बहादुर जरा बहों फर बछड़ा है कि बह जाए थे नहीं साढ़े अपने घरां जड़ी रहा पर देसी हो गया इस तो अल्लाह फरमाया जिन्हां ने इस नबी नूं सच्चा मनिया तो यदा अदब किया तो जरा दीन लैके आया उस दीन की मदद की वत्ता ब नूर अल्लाह दी उन्दला माह ए नूर का भी झगड़ा पाई रखते साढ़े साथी बे नूर है नबी पाक नबी पाक ही नूरों तो व्डे नूर है वो अपनी जात गल है मगर कुरान पाक नहीं आँगी कद जाक मिला नूर किताबों में कुरान पाक ना मजाक नहीं करना चाहिए उन्होंने अगों पिछों पढ़ना चाहिए कुरान पाक जिस शहर नूर क्या कुरान
कुरान नूर किया। तद इस जगह भी फरमाया सूरत काब जिथे गल आनी है जेड़ा नूर नबी दे नाल उतारिया गया। नबी नहीं नूर आखना वत्ता वो नूर अल्लाह दी जरा मा नबी नू मनन दे नाल आप दादब करन दे नाल दीन दी मदद करन दे नाल उस